अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल इस्लाम जहद ममा कान कबला, जो भी गुनाह, जो भी अकीदे का, अमल का, अखलाक का बंदे से दुनिया में हो चुका है, पूरी जिंदगी जो भी गुजर चुकी है, उसके जो भी गुनाह है, जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्लिम पढ़ता है, अल्लाह सारे गुनाह उसके माफ कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीन आदमी है, तीन आदमी जिनको गुमराह करने के लिए उनके मुकाबले में इबलीस बजाते खुद आकर बैठता है, अपने किसी शागिर्द को नहीं भेजता। तीन किस्म के लोग हैं जिनके मुकाबले में इबलीस खुद आता है। पहला फरमाया वो बंदा जो इस्लाम कबूल करने लगता है, तो इबलीस उसके पास आता है, उसको कहता है तो अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ देगा, वहां चला जाएगा जिसको तू जानता ही नहीं, जिसके नजरिए अकीदे को नहीं जानता, बड़ी बातें सुनाता है। नबी सल्लम ने फरमाया वो इबलीस का इनकार कर देता, नहीं मानता उसकी कोई बात, और इस्लाम को कबूल कर लेता है, उसके लिए जन्नत। फिर फरमाया वो आदमी जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने लगता है, तो ये कोई छोटा अमल नहीं है। आप देखें पूरी इस्लामी तारीख की बुनियाद सने हिजरी, इसलिए यहां के सबसे बड़ा वाक्य हमारा हिजरत था, जिसने इंकलाब बर्पा किया। लिहाजा कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर से शुरू किया। फरमाया वो इबलीस उसके मुकाबले में आता है, उसको कहता है कि तुम अपने वो इलाज की सज़मीनें छोड़ दे, जहां लोग तुझे जानते हैं, जहां तेरी बरादरी है, तू वहां जाएगा जहां तुझे कोई जानता नहीं, तेरे जिहाद में कोई खड़ा ना हो। लेकिन रसूल अल्लाह ने फरमाया कि वो इनकार करके अल्लाह के रास्ते में हिजरत कर जाता है, उसके लिए जन्नत। फरमाया जब एक आदमी अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलता है, तो इबलीस उसके मुकाबले में आकर उसको कहता है किधर जा रहा है, तू तो मारा जाएगा, तेरी बीवी बेवा होगी, उससे कोई और शादी करेगा, तेरे बच्चे यतीम होकर दर बदर फिरेंगे, तेरा माल बढ़ जाएगा लोगों में। रसूलुल्लाह ने फरमाया वो उसका इनकार करके अल्लाह के रास्ते में निकलता है, उसके लिए जन्नत। तो मैं आप तमाम भाइयों को ये खुशखबरी तो सुना चुका कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भाई आज मौजूद हैं, नमाज के फौरन बाद उन्होंने इस्लाम कबूल करना है, तारुफ ज्यादा मुझे उनका नहीं है, इंशाल्लाह भाई आपको तारुफ कराएंगे। वो भाई जिन्होंने उस पर मेहनत की है, जिन्होंने उसकी तरबियत की है, जिसने उसका बिजनेस शुरू किया है, जिन्होंने उनका दिल जीता है, उनके लिए मैं खुशखबरी सुना दूं कि वो गुमान ये ना करें, यकीन करें इस बात पर कि उनका ये अमल उनके लिए जन्नत है। असल सरमाया उनके लिए जिस बंदे ने इस पर मेहनत की है, अल्लाह उनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए, इन्हें और ज्यादा तौफीक अता फरमाए। तो मैं आप तमाम भाइयों से भी ये गुजारिश करूंगा कि ये एक बड़ा खुशकिस्मती का मौका है कि हम एक ऐसी मजलिस में मौजूद होंगे जहां एक फर्द कुफर से इस्लाम में दाखिल होगा, आप उसके हाजरीन हैं, शायरीन हैं, यहां बैठेंगे, और इस मरकज के लिए भी मैं समझता हूं ये बड़ी खैर और बरकत और सआदत की बात होगी। आमतौर पर हम अपनी मस्जिदों में ऐसा नहीं देखते, और 1400 साल पहले मोहम्मद रसूल अल्लाह की मजलिस में रोज इस तरह होता था कि कोई आता था और इस्लाम को कबूल करता था, कोई आता था और इस्लाम। तो ये मंजर उस तरफ जा रहा है, इंशाल्लाह पूरी दुनिया की मस्जिद में अल्लाह ये मंजर लाएगा। आज यूरोप की मस्जिदों में ये हो रहा है, आज यूरोप की मस्जिदों में ये हो रहा है, तो अल्लाह हमें भी ये तौफीक अता फरमाए कि हम इस रंग को इधर भी पैदा करें। चूंकि वक्त का भी तकाजा है कि मजीद अब गुफ्तगू न की जाए, तो मैं आप तमाम भाइयों से ये दरख्वास्त करूंगा कि जुमे की नमाज के बाद आप तमाम भाई इधर ही तशरीफ रखें और इस बाबरकत मस्जिद में शामिल हो, उस भाई का जो कलमा पढ़ना है उसमें अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं, और इसमें अपने लिए अजर भी और अपने लिए रहनुमाई भी और अपने दावत को आगे फैलाने के लिए एक नया अमल भी अपने जहन में लाएं। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इबादुल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुर बिल अदल वल इहसान व ईताए ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वल बग़्य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Now you are going to be a Muslim. It's because it is your heart. Someone forced you, someone gave you money. But you are going to follow Islam by your own heart. भाई मैंने इनसे पूछा कि आपको किसी ने फोर्स किया है या आप अपने दिल की खुशी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अपने दिल की खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कर रहा हूँ, कुरान को पढ़ा है, अल्लाह पर ईमान रखता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता हूँ। सो इन फ्रंट ऑफ दिस पीपल दिस इज एन ओथ टू फॉलो मी एंड बिकॉज after this we welcome you in Islamic country, Islamic community. So what I say, you follow me to be a Muslim. It's a very great event for you and for all of us. Ready? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Mashallah. उन्होंने कुरान पढ़ा है जी, सारा कुछ सीख कर आए हैं माशाल्लाह। ये सज्जाद नाम है उन्होंने, साजिद भाई, इन्होंने माशाल्लाह इन पर मेहनत की है, तो अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इट मीन्स दैट विद माई विटनेस आई से दैट अल्लाह सुब्हानहु व तआला इज़ वन विदाउट एनी पार्टनर in his worship, in all his prayers. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the servant and messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. We believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Jadwal, iska naam bhi rakhenge? Aapka, inka pehle naam kya hai? Iska naam pehle Li tha, ab aapki naam bhi. Kya naam hai? Li. 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 Ye idhar Philippines se? Nahin, ye Vietnam se. Vietnam. Achha, Vietnam. कोई तजवीज़ किया आपने पहले नाम? वैसे आपका हक ज़्यादा है कि आप नाम तजवीज़ करके बताएं, तो हम इन्होंने मेहनत की है, इनका हक ज़्यादा है। मेरा एक दोस्त है नॉर्वे में, वो भी पहले मैंने उसकी मदद की थी मुसलमान, उसका नाम रखा था मोहम्मद अबू बकर सदी, तो वो ना उन्होंने नाम रखा था, कोई हक दिया था मैंने आपको इसलिए, तो आपकी कोई तजवीज़ हो तो आप ये हमारे भाई का भी नाम हो जाएगा। पहले नाम ली था, मोहम्मद अली हो, इनका पहला नाम ली है, तो ये वियतनाम से हैं, तो भाई कह रहे हैं कि मोहम्मद अली इनका नाम उन्होंने तजवीज़ दिया है, तो इंशाल्लाह इनका हम इस्लामिक नाम मोहम्मद अली रख रहे हैं। नाउ योर इस्लामिक नेम इज मोहम्मद अली। बिफोर यू वाज ली, नाउ मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, मोहम्मद इज आवर प्रॉफिट नेम एंड अली इज आवर फोर्थ कैलिफ इन इस्लाम, सो दीज टू नेम्स आर वेरी गुड फॉर यू। मोहम्मद अली, कंग्रेचुलेशन। मोहम्मद आपने अपने लिए जन्नत बना लिया है जी।
आप और ज़्यादा तफी किताब इबादत ये ठीक है।